हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ पे चंडीगढ़ की मार्केट और दिल्ली की सरोजिनी नगर से भी ज़्यादा चीप प्राइस में आपको ले चलती हूँ वहाँ। तो मिलते हैं वहाँ पे। सारी लेडीज़ की स्कर्ट है, टॉप है। ये वाइट में आ जाएंगी सारी, ये ब्लैक में आ जाएंगी, जींस में ये आपका प्लेन स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। इनके अंदर आपको पार्टीशन भी मिल जाएगा गलियों के अंदर, ठीक है। ये सारी है। सो गाइज, मैं मार्केट की बैक से गई थी और मुझे फर्स्ट स्टॉल उन वाइट जींसों की मिल जाती है जिनकी क्वालिटी एक नंबर थी और ये सिर्फ 150 और 200 में थी। अगर आपसे बार्गेनिंग होती है तो कीजिए, वरना आप 200 में भी बेस्ट जींस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको 200, 150 और 350, इसके ऊपर आपको मतलब प्राइस दिखेगा ही नहीं कि कहाँ पे किसी महंगा मिल रहा है। इतने सही प्राइस में आपको घर के डेकोरेशन के लिए और टॉयज़ सब कुछ आपको यहाँ पे इतने सस्ते और चीप प्राइस में मिल रहा है। 3 पीसेस सॉक्स ओनली 100 रुपीज़ में मिल रही थी यहाँ पे। लोवर, टी शर्ट ये सब यहाँ पे 100 से स्टार्टिंग है और 150, 250 है। बार्गेनिंग करोगे तो आप बहुत अच्छे उसमें मिलेगा आपको प्राइस। और यहाँ पे आप न्यू टॉप देख रहे हो ना, या मैंने मार्केट में 350 तक की पूछी थी, बट यहाँ पे मेरे को 200, 250 में मिल रही थी। यहाँ पे परफ्यूम्स, गॉगल्स भी मिलते हैं सिर्फ 100 रुपीज़ में। गॉगल्स के डिज़ाइन एक से एक थे वहाँ पे और क्वालिटी भी बहुत सही लग रही थी। मेरे को नहीं लगता कि 100 रुपीज़ में इतने अच्छे गॉगल्स कहीं और मिलते होंगे। सो गाइज, आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ टॉप ही टॉप है, सिर्फ गर्ल्स के लिए था। लॉन्ग टॉप, शॉर्ट टॉप और लॉन्ग फ्रॉक थी, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के थे। एक एक अच्छी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। और प्राइस सिर्फ 150 से 250 तक के थे और इससे ज़्यादा ऊपर रेंज था ही नहीं। और मैंने इनसे ये टॉप देखा तो इन्होंने सिर्फ 100 रुपीज़ का बताया। बहुत अच्छी क्वालिटी में निकला ये मेरा टॉप। और ये मैंने मीशो पे भी देखा था, ये वो कुछ 150 कुछ अराउंड था इसका प्राइस। 150 की दो लेडीज पैंटे 50-50 रुपये। आपको यहाँ पे कितने कितने की है? 150 की दो मिल जाएगी। गर्ल्स के लोवर और यहाँ पे डेनिम शॉर्ट्स भी मिलती है, इतनी अच्छी क्वालिटी में मिलती है और 150-200 तक की है। और सो गाइज, यहाँ पे शूज़ भी मिल रहे थे 250 से स्टार्टिंग थी, क्वालिटी भी डेली वेयर के बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे गर्ल्स की स्टॉल आ गया। मैं तो चाहती हूँ, बोलती हूँ गाइज, जो भी आएगा ना ये वीडियो देख के, तो आप बैक साइड से ही आएँ और सीधा सीधे लाइन में जाते रहोगे ना, तो जितनी सीधी लाइन में जाओगे ना उतनी ही अच्छी आपको ड्रेसेस दिखने को मिलेगा। और सीधा जाके ना आपको गर्ल्स की ज़्यादा मिलेगी, टॉप जीन्स के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी में है अंदर जाके। पे एक और टॉप पसंद आई है, ये कलरफुल वाली टॉप है और बिल्कुल नई क्वालिटी में था और मैंने देखते ही परचेज कर लिया था इसको। और यहाँ पे भी जितनी भी टॉप्स आपको दिख रही हैं 100 से 150, 250 तक की रेंज में ही था। होम के लिए
आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। बच्चों के लिए टॉयज़ भी बहुत क्यूट क्यूट थे और बहुत अच्छी रेंज में थे। ये 150 रुपीज़ के मिल जाते हैं आपको यहाँ बिल्कुल। गाइज अब हम आते हैं जींसों की ओर, जो मैं कब से बेताब थी कि जींसों के स्टॉल में जाऊं क्योंकि मेरे को जींस यहाँ की इतनी अच्छी लगती है ना, मैं क्या बता सकती हूँ। इनकी क्वालिटी, पहनने में इतना कंफर्टेबल होता है और प्राइस सुनोगे तो आप क्या होगे, ये वाओ इतनी अच्छी जींस है और इतने कम दाम में कैसे। तो यहाँ प्राइस है 250 और 200। अगर आप बार्गेनिंग करते हो तो ये 250 से 200 कर देते हैं। ये साइड सारी जींसों की थी और इतनी सही जींस मिली थी। शॉर्ट्स हो गए, बॉयज़ के भी जींस यहाँ पे मिलते हैं और वहाँ पे तो इतनी मैं 250 की। मैं अब आ चुकी थी जहाँ पे वॉचेस की स्टॉल लगी हुई थी। यहाँ पे जो चैन वाली थी वो 250 से थी और जो पट्टे वाली थी वो 150 की थी। क्वालिटी ठीक थी बट ये है कि फर्स्ट कॉपी है तो चलेगा ऐसे ही। और यहाँ पे स्लीपर्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी की दिख रही थी मेरे को। यहाँ पे आपको A to Z छोटे से लेके बड़े तक सब चीज़ आपको यहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ये है कि आप अगर पूरा दिन अगर लगाओगे ना तब भी ये मार्केट ख़त्म नहीं होने वाली है। यहाँ पे एक से एक चीज़ ऐसा लगता है कि ये भी देख लें, ये भी देख लें और सही प्राइस में मिलता है तो सोचते हैं ये खरीद ही लेते हैं क्या जाता है। तो ये मार्केट आपको वीक में सिर्फ संडे को मिलेगी। सुबह 8 बजे लगना चालू हो जाती है और रास्ते पे जाते जाते मेरी स्कर्ट पे नज़र पड़ी जिसका प्राइस सिर्फ 250 था, बट मैंने ये परचेज़ नहीं की क्योंकि इसकी क्वालिटी मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी। हम शॉपिंग करके आ गए हैं, बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा और रश तो इतना है कि पूछो ही मत। हर जगह ऐसे ही रश मिलेगी, चाहे दिल्ली या सरोजनी नगर।